हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। पाइथन फंडामेंटल सीरीज की इस वीडियो में आज हम नेस्टेड लूप्स में डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉर लूप और व्हाइल लूप की पूरी प्रोसेसिंग प्रैक्टिकली पाइथन आईडीएली में उसका प्रोग्राम बना के समझाई हुई है। आई होप आपने मेरे वीडियोज़ देख लिए होंगे। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो द नेस्टेड लूप, जिसमें हम नेस्टेड फॉर लूप के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इसकी थ्योरी को समझेंगे और सेकेंड पार्ट में हम इसके प्रैक्टिकल करके इसको पाइथन आईडीएली में इसका प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। नेस्टेड फॉर लूप की इस पूरी प्रोसेसिंग को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेस्टेड लूप होते क्या हैं। अ लूप दैट कंटेन अनदर लूप इन इट्स बॉडी इज नोन एज नेस्टेड लूप। जब कोई लूप अपनी बॉडी के अंदर दूसरे लूप को कंटेन करता है, इस फॉर्म को हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। इस पूरी प्रोसेसिंग में सबसे पहले इनर लूप टर्मिनेट होता है, देन उसके बाद फिर आपका आउटर लूप टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है जो कोड मदद कर रहा है एक ट्राइंगल को प्रिंट करने में एस्ट्रिक सिंबल से मिलकर। ओके, जब इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्राइंगल कंटेन कर रहा है रोज को एंड कॉलम्स को। ठीक है, तो ये ट्राइंगल किससे मिलकर बना हुआ है? रोज और कॉलम से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर दो फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। एक फॉर लूप जो इसके रो को प्रोसेस करेगा और एक फॉर लूप जो कॉलम्स को प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो उस कोड को समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस कोड में क्या इनपुट कर रखा है, नंबर ऑफ नंबर्स इनपुट करने को बोल रखा है यूजर से। तो एक नंबर इनपुट करेगा यूजर, ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पूरे आपके जो ट्राइंगल प्रिंट कर रहे हैं वो ट्राइंगल में कितने नंबर ऑफ रोज होंगे वो डिपेंड करेगा एन की वैल्यू पर। ठीक है, तो आपका यूजर से एन की वैल्यू इनपुट करने को बोलेगा एंड देन उसके बाद आपके इसमें एक आउटर फॉर लूप लगा हुआ है जो रो को प्रोसेस करने में मदद कर रहा है। उसी के अंदर फिर एक इनर फॉर लूप आपका यूज़ हो रखा है जो उसके कॉलम्स को प्रोसेस करने में मदद करेगा। ठीक है, एंड देन इनर फॉर लूप की बॉडी के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो एस्ट्रिक्स को प्रिंट करने में मदद कर रहा है। ठीक है, और इनर फॉर लूप से बाहर आउटर फॉर लूप की बॉडी के अंदर फिर एक और प्रिंट स्टेटमेंट है जो कंट्रोलर को नेक्स्ट लाइन पर पहुंचाने में मदद करेगा। ठीक है, तो इस ढंग से पूरा स्टेटमेंट इस पूरे प्रोग्राम में है। तो उसको अब वन बाय वन हम चेक करते हैं कि कैसे ये प्रोसेसिंग पूरी हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़र ने इनपुट कर लिया, सपोज एन की वैल्यू मैं मान लेता हूँ कि यूज़र ने इनपुट कर लिया 5 इस केस में। तो आपका आउटर लूप जो है वो कैसे प्रोसेस करेगा। आउटर लूप का जो लूप वेरिएबल है वो है आर। अब R के लिए मुझे कौन कौन सी वैल्यूज़ प्रोवाइड होंगी, रेंज फंक्शन मुझे कौन कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करेगा ताकि R उतने टाइम क्या हो जाएगा, इटरेट होगा। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा मुझे, रेंज फंक्शन की जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, 1.6 n प्लस 1 का मतलब 6 हो जाएगा, 1.6 का मतलब रेंज फंक्शन मुझे प्रोवाइड करेगा 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, तो मुझे एक सीक्वेंस उसने रेंज फंक्शन में प्रोवाइड कर दी जिसके अंदर कितने आइटम्स हो गए, 5 आइटम्स हो गए। तो इसका मतलब R अब इन सारे आइटम्स के लिए वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा या इटरेट करेगा लूप को। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि जो आउटर लूप है वो मेरा कितने टाइम चलना है, 5 टाइम चलना है। फर्स्ट केस में वो R इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, सेकेंड केस में R इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, थर्ड केस में R इक्वल टू 3 के लिए चलेगा और फोर्थ केस में 4 के लिए और फिफ्थ केस में 5 के लिए। तो 5 टाइम आपका आउटर लूप क्या होना है, इटरेट होना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में R इक्वल टू 1 के लिए आउटर लूप वर्क किया। ठीक है, कंट्रोलर कहाँ जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर, कंप्लीट इस आउटर लूप की बॉडी ये आपको दिख रही है। इस बॉडी के अंदर आप देखेंगे कि आपको एक सेकंड फॉर लूप यहाँ पर यूज़ किया हुआ है।
ठीक है, सेकेंड फॉर लूप में जो सी है लूप वेरिएबल, उसको क्या वैल्यू प्रोवाइड होंगी, रेंज फंक्शन क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, वो है रेंज के अंदर जो हमने वैल्यू पास करेंगे, रेंज के अंदर वैल्यू पास करेंगे 1, r+1, 1, r+1 का मतलब r की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1, 2, 1, 2 का मतलब 1, केवल एक ही लिस्ट आपको प्रोवाइड होगी, एक लिस्ट प्रोवाइड होगी जिसमें केवल एक ही आइटम आपको मिलेगा, तो इसका मतलब इनर लूप को आपको केवल 1 time एग्जीक्यूट कराना है, किसके लिए, r=1 के लिए c जो है वो केवल 1 time चलेगा, और क्या एग्जीक्यूट करेगा, इस प्रिंट स्टेटमेंट को इटरेट कराएगा, ठीक है, सी को कितने टाइम इटरेट होना है, 1 time इटरेट होना है, और इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और आपकी स्क्रीन पे एक एस्ट्रिक का साइन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ क्या लगा हुआ है कि एंड आपका आर्ग्यूमेंट भी इसमें यूज हुआ है, ये एंड आर्ग्यूमेंट अगर नेक्स्ट टाइम पे अगर कोई एस्ट्रिक आपका प्रिंट हो रहा है तो उसका मतलब वो एस्ट्रिक जो है उसी के बगल में प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं होगा, उसके लिए हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि r=1 के लिए c=1 तक ही आपका लूप क्या हुआ, एक ही टाइम लूप क्या हुआ, इटरेट हुआ, तो एक टाइम इटरेट हुआ तो एक ही टाइम इसका आपका प्रिंट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा, तो एक एस्ट्रिक उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद कंट्रोलर कहाँ आ जाएगा, उससे बाहर आ जाएगा और अगला वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, इनर लूप से बाहर आ चुका है कंट्रोलर, ठीक है, क्योंकि इनर लूप पूरी तरह एग्जीक्यूट हो चुका है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सबसे पहले इनर लूप टर्मिनेट होता है, उसके बाद आउटर लूप में आता है, ठीक है। तो इनर लूप आपका पूरी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुका है, तो आपका अब आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो कंट्रोलर को कहाँ भेज देगा, वो नेक्स्ट लाइन पर भेज देगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट कंट्रोलर को नेक्स्ट लाइन पर भेजने के लिए है। तो इसका मतलब अगली बार जब एस्ट्रिक आप प्रिंट होंगे अब, ठीक है, वो एस्ट्रिक आप कहाँ प्रिंट होंगे, नेक्स्ट रो में प्रिंट होंगे, ओके। अब ये पूरा प्रोसेस था किसके लिए, r=1 के लिए कंप्लीट प्रोसेस चला, और इस ढंग से एक एस्ट्रिक आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होके आ गया। अब क्योंकि r आपको पता है कि 5 time चलना है, तो अगली बार r की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने इरेज कर दिया उसको, r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, r की वैल्यू 2 के लिए अब ये पूरा प्रोसेस चलेगा। अब देखिए कि r की वैल्यू 2 के लिए सी जो है लूप वेरिएबल को क्या क्या वैल्यू मिलेंगी, लूप वेरिएबल को क्या वैल्यू मिलेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, 1, r+1 मतलब 1, 3, 1, 3 का मतलब हो जाएगा क्या आपको सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा ये, 1 और 2, केवल 2 एलिमेंट उसके अंदर होंगे, किसके लिए, r=2 के लिए c के जो वैल्यूज हैं जो आपको c इटरेट कराना है वो 1 और 2 के लिए इटरेट कराना है। तो फर्स्ट केस में c किसके लिए वर्क करेगा, c=1 के लिए वर्क होगा, 1 के लिए आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आपका आपकी स्क्रीन पे एक एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंड लगा हुआ है, उसका यूज़ मैंने बता दिया आपको, अगली बार जो एस्ट्रिक प्रिंट होगा उसके बगल में प्रिंट होगा। अब सी किसके लिए वर्क करेगा, 2 के लिए वर्क करेगा, 2 के लिए इटरेट करेगा, और 2 के लिए फिर से इसी प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, सेम प्रिंट स्टेटमेंट को उसने रिपीट करना है, तो उसी के बगल में एक दूसरा एस्ट्रिक भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो सी कितने टाइम एग्जीक्यूट होना था, इटरेट होना था, 2 time इटरेट होना था, तो हमने इटरेट करा दिया है, और 2 time इटरेट होने के बाद मेरी स्क्रीन पर मुझे 2 asterisk के सिंबल मिल गए नेक्स्ट रो में, ठीक है। अब देन कंट्रोलर इनर लूप से बाहर आ जाएगा और अगले स्टेटमेंट पर आ जाएगा। अगले स्टेटमेंट पर क्या है आपका, प्रिंट एक फंक्शन यूज हुआ है, ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, कंट्रोलर को नेक्स्ट लाइन पर ले आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पर जो भी एस्ट्रिक प्रिंट होंगे वो नेक्स्ट रो से प्रिंट होंगे, ठीक है, इसने ये वर्क किया इस प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक। अब पूरा प्रोसेस नेक्स्ट टाइम पर किसके लिए चलेगा, r=3 के लिए पूरा प्रोसेस चलेगा, r=3 के लिए फिर आप देखेंगे कि c जो है इनर लूप है उसको क्या क्या वैल्यू मिलेंगी, रेंज फंक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, तो वो मैंने यूज़ कर रखा उसमें 1, r+1 का मतलब 1, 4, 1, 4 का मतलब हो गया 1, 2 और 3, जो सीक्वेंस आपको प्रोवाइड होगी वो ये प्रोवाइड होगी सेकंड केस में, सॉरी r=3 के लिए। तो अब r=3 के लिए ये सीक्वेंस आपको मिल गई है, तो इसका मतलब आपको C को कितने टाइम इटरेट कराना है, इनर लूप को कितने टाइम इटरेट कराना है, 3 time इटरेट कराना है। तो फर्स्ट केस में C 1 के लिए इटरेट होगा तो आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो एक एस्ट्रिक आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम पे सी जो है 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा तो
सेकेंड एस्ट्रिक आपकी स्क्रीन पर उसी लाइन पर प्रिंट हो गया। फिर सी थर्ड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, सी इक्वल टू थ्री के लिए एग्जीक्यूट हुआ, तो प्रिंट स्टेटमेंट आपने रन कराया, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो थर्ड एस्ट्रिक आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आप कंप्लीट हो चुकी हैं, सारी सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है, सारी सीक्वेंस के लिए आपका सी लूप वेरिएबल इटरेट हो चुका है। ठीक, तो कितने एस्ट्रिक आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हुए, थ्री एस्ट्रिक प्रिंट हुए, क्योंकि वो लूप क्या हुआ आपका सी जो इनर लूप था वो थ्री टाइम इटरेट हुआ था, और उस थ्री टाइम इटरेशन में उसने इस प्रिंट स्टेटमेंट को तीन बार आपकी स्क्रीन पर एग्जीक्यूट किया। ठीक है, और थ्री एस्ट्रिक आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो गए। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोसेस हो रहा है। नाउ अब उससे बाहर आ जाएगा, उससे बाहर आएगा, लूप से बाहर आएगा कंट्रोलर, तो आपका अगला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोलर अब नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट केस में आर किस कौन सी वैल्यू के लिए चलेगा, आउटर लूप फोर वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम कौन से रो पे हैं, फोर्थ रो पे काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, हम फोर्थ रो पे पहुंच चुके हैं, और फोर्थ रो पे कितने कॉलम्स एक तरह से हम प्रिंट होने हैं ये ध्यान देना है, तो वो डिपेंड करता है सी पे। ठीक है, तो सी की कुछ रेंज क्या क्या प्रोवाइड होगी, जो सीक्वेंस मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1, r+1, दैट मीन्स 1, 5 का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो सी की जो वैल्यूज़ हैं, जो सी को वैल्यूज़ असाइन होंगी वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी, तो इसका मतलब सी इनर लूप जो है 4 टाइम इटरेट होना है। सबसे पहले वो सी इक्वल टू 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, एक एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसी के बगल है सी इक्वल टू 2 के लिए, उसी के बगल में आपका दूसरा एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा, क्योंकि दोबारा वो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर ऐसे ही सी इक्वल टू 3 के लिए इटरेट होगा, और तीसरा प्रिंट एस्ट्रिक आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही सी इक्वल टू 4 के लिए इटरेट होगा, और फोर्थ आपका एस्ट्रिक आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इनर लूप अब कंप्लीट रन हो चुका है, इटरेट हो चुका है, इसका मतलब टर्मिनेट हो गया है, 1 के लिए चल गया, 2 के लिए वर्क कर गया, 3 के लिए वर्क कर गया, 4 के लिए वर्क कर गया। ठीक है, तो चारों सीक्वेंस के आइटम्स के लिए वो आपका लूप इनर लूप प्रोसेस कर चुका है। ठीक, तो अब आपका इनर लूप टर्मिनेट हो गया, तो आउटर लूप इससे बाहर आ जाएगा, और अगला प्रिंट स्टेटमेंट वो देख रहा है कि प्रिंट एक यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है, तो कंट्रोलर को नेक्स्ट लाइन पर ले आएगा। ठीक है, अब फाइनली फिर आर अब वर्क करेगा 5 के लिए, क्योंकि आर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कितनी वैल्यूज के लिए चलना था, 1 से लेकर के 5 तक चलना था, तो आर 5 के लिए चलेगा। फिर देन जब आप आर 5 के लिए एग्जीक्यूट होगा या इटरेट होगा, तो सी जो कॉलम्स हैं वो कितने होंगे फिफ्थ रो में, वो ध्यान देना है हमें। फिफ्थ रो में कॉलम्स होंगे आपके जब 1, 6, 1, 6 का मतलब हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो इसका मतलब सी जो इनर लूप है उसका लूप वेरिएबल कितने टाइम इटरेट होगा, 5 टाइम इटरेट होगा, और फर्स्ट केस में वो सी इक्वल टू 1 के लिए इटरेट होगा, तो आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो एक एस्ट्रिक प्रिंट हो गया। सी इक्वल टू 2 के लिए आपका ये इटरेट होगा, तो इसका मतलब फिर से प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सेकेंड एस्ट्रिक प्रिंट हो गया। ऐसी सी इक्वल टू 3 के लिए फिर से थर्ड एस्ट्रिक प्रिंट हो गया, सी इक्वल टू 4 के लिए फोर्थ एस्ट्रिक प्रिंट हो गया, और सी इक्वल टू 5 के लिए फिफ्थ एस्ट्रिक प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब इनर लूप जो एग्जीक्यूट हुआ, इटरेट हुआ, कितने टाइम इटरेट हुआ, 5 टाइम इटरेट हुआ, और 5 टाइम इटरेट होकर के आपकी स्क्रीन पे 5 एस्ट्रिक्स उसने क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। ठीक है, क्योंकि उसके लूप की बॉडी के अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट था, उसको एग्जीक्यूट उसने करना था। ठीक, नाउ उससे बाहर आ जाएगा कंट्रोलर, इनर फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, तो अगला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और प्रिंट स्टेटमेंट ये क्या कर रहा है यहाँ पर, आपका नेक्स्ट लाइन पे ले आ रहा है कंट्रोलर को। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये इनर लूप तो एग्जीक्यूट कंप्लीट हो ही गया है, आउटर लूप भी हमने कंप्लीट एग्जीक्यूट करा दिया है, क्योंकि हमने आर को जो वैल्यूज थी, आर को 1 के लिए चलना था, 2 के लिए वर्क करना था, 3 के लिए वर्क करना था, 4 के लिए और 5 के लिए, 5 टाइम आपको आर को इटरेट कराना था, तो हमने 5 टाइम उसको इटरेट करा दिया है, तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और जब आप उसको प्रिंट करके
देखेंगे तो आपके सामने इस रंग का एक ट्राइंगल प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये नेस्टेड लूप की प्रोसेसिंग समझ में आ गई होगी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नेस्टेड लूप आपको समझ में आ गया तो आप कई सारे आपके इस रंग के ट्राइंगल्स क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है, खुद ही लॉजिक थोड़ा सा चेंज करके। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताएं, और कोई आपकी क्वेरी है तो क्वेरी को भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम इस वीडियो का प्रैक्टिकली इसको पाइथन आईडीली में बना कर देखेंगे कि कैसे नेस्टेड फॉर लूप कंप्लीट वर्क करता है। ठीक है, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट था, सेकंड पार्ट में हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेस्टेड फॉर लूप के प्रैक्टिकल वर्क के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।